जनता दल यूनाइटेड के गया जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इकराम को बनाया गया। इसके लिए गया जेडीयू जिला अध्यक्ष अलेक्जेंडर खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह को बधाई दी और कहा कि विधानसभा की सभी सीटों पर नीतीश कुमार की झोली में जीत कर देंगे और उनके हाथों को मजबूत करेंगे। इस मौके पर गया के सांसद विजय मांझी उपस्थित होकर मोहम्मद इकराम को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर मोहम्मद इकराम ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पद पर उन्हें मनोहित किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं एक सिपाही हूं और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उस पर वह काम करते रहेंगे। बनाया गया है, मैं अब कमान हाथ में लिया हूं और मैं चाहूंगा कि मेरी पार्टी में मजबूती आए। मैं गाँव गाँव जाकर अल्पसंख्यकों में, दलितों में, पिछड़ों में मेहनत करूंगा, कमेटी का गठन करूंगा और चाहूंगा कि जितना हो सके मजबूत करूंगा। आप कांग्रेस पार्टी में थे और हाँ, मैं कांग्रेस में 15 बरस रहा, उसकी खेवैया बैठते हैं दिल्ली में, हम लोग हैं किसान के बाल बच्चा, 15 बरस उसके साथ मेहनत करते रहे, कुछ नहीं मिल रहा है, वो जो झोला ढोएगा वो बन जाएगा, उसकी कार्यकलाप हमको पसंद नहीं हुआ, छोड़ दिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के मैंने कार्यकलाप से बहुत खुश हुए कि इस पार्टी छोड़ करके हम उनकी दामन पकड़ा हूँ और दिल से मैं मेहनत करके इस पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। भाजपा का गठबंधन, भाजपा के साथ गठबंधन है जदयू का, तो मुस्लिम वोट जो है यानी खासकर के अल्पसंख्यक वोट जो है वो भाजपा की तरफ नहीं जाता, ऐसे में आपको कितनी परेशानी होगी मुस्लिम वोट को जदयू में कन्वर्ट करने के लिए? हम लोग जो मुस्लिम है वो नीतीश जी की छवि देख रहे हैं, आने वाले समय में हमारे नीतीश जी और आगे बढ़ेंगे और भाजपा से खराब कांग्रेस है, कांग्रेसी का देन है जो इतना परेशानी हिंदुस्तान के अंदर है।